हेलो गाइस, दिस इज शैलेंद्र पांडे ऑन एम्बिशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाएं और इस क्लास का लिंक अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दो भाई। सब लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट होइए ताकि हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 7, रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 7, टोटल 11 लेक्चर्स में बेटा चैप्टर आपका कंप्लीट करूंगा मैं। नीतीश कैसे हैं? जल्दी से जल्दी बाकी बच्चे भी आ जाएं। उज्जवल क्या हाल चाल है भाई? उज्जवल एकदम रोज का रोज हम लोग की क्लासेस में रहते हैं। नीतीश, उज्जवल एकदम रेगुलर हैं। बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग मेहनत में लगे रहिए और जितनी मेहनत आप करेंगे आपका रिजल्ट बोलेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट अपने आप बोलेगा। शैलेंद्र सर ने क्या पढ़ाया है और आपने क्या पढ़ा है, कितनी मेहनत की है। मेहनत करते रहिएगा, लगातार क्लास अटेंड करते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक कर दीजिए। जल्दी जल्दी भाई सब लोग आइए। उज्जवल बेटा बहुत जल्दी डेली आएंगे, परेशान मत हो, एकदम प्लान बना रहे हैं हम लोग, आपस में बात कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। एक्चुअली मेरी और भी कई सारी क्लासेस होती हैं बेटे, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, मेरा अपना ऐप भी है एम्बिशन क्लासेस का, जिसके बारे में देखो नीचे ब्लू लाइन पर आपके आ रहा होगा, रेड लाइन पर है ना। तो कई जगह पर पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम की बच्चे कमी रहती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, मैं रेगुलर आऊंगा, परेशान मत होइए। और आपका सिलेबस बहुत टाइमली हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी इनफैक्ट, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का प्यारा सा लेक्चर। आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस चीज को देखिए। आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज कहने का मतलब यहां पर हो गया चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों की बात कर रहा हूं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों के लिए साइन कन्वेंशन जो है कि भाई यू की वैल्यू कब पॉजिटिव कब निगेटिव, वी की वैल्यू कब पॉजिटिव निगेटिव, ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे यहां पे बच्चों। लोकनाथ जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर लेंस फार्मूला। तो बच्चों लेंस फार्मूला जो होता है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीन चीजों को आपस में रिलेट करता है। मैं फुल डिटेल बताऊंगा, ठीक। तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। लेंसेज के द्वारा क्या मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होता है, मैग्नीफिकेशन का मतलब लेंस किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना बड़ा या कितना छोटा करके हमको दिखा रहा है। भाई किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप सबको पता है, तो कोई भी ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसका काम क्या है, काम बस इतना सा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत क्लियर इमेज फॉर्म करना। ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा है, लाइक कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक। कोरोना की बात ना करना भैया, कोरोना खतरनाक है, कोरोना के बारे में ज्यादा हम लोग को अभी पता होता नहीं है, लेकिन हाँ कोई भी और बैक्टीरिया है, वायरस है, बहुत छोटी सी अगर कोई चीज है बच्चों, तो उसको मैग्नीफाई करके देखने में माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। टेलीस्कोप जो होता है, जो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हमसे बहुत दूर है और दूर होने की वजह से छोटा दिखाई पड़ रहा है, उसको जूम करके देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं बच्चों। उज्जवल कह रहे हैं इस बार सर बोर्ड में आपके चैनल और आपको नाम रोशन करना है। बिल्कुल बेटा, आप मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल करेंगे। मैंने भी टॉप किया था, हाई स्कूल में भी टॉप किया था, इंटरमीडिएट में भी टॉप किया था, तो होपफुली आप भी टॉप करेंगे अगर आप रेगुलर हैं तो। हर साल एम्बिशन क्लासेस में हर साल बच्चे टॉप करते हैं, हर साल यहां से टॉपर्स निकलते हैं, 95% 96% हर साल बच्चे टॉप करते हैं, तो होपफुली इस बार ऑल इंडिया टॉपर देने का मन है, पूरी हम लोग की टीम वर्क है, हम लोग चाहते हैं ऑल इंडिया टॉपर हमारे एम्बिशन क्लासेस से हो। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साल भर जुड़े रहेंगे, तो हम लोग पूरी मेहनत करेंगे कि आप ऑल इंडिया टॉपर बने। बिल्कुल बेटा डेली आएंगे, परेशान मत हो, एकदम हम लोग की प्लानिंग चल रही है, आपके मैसेजेस लगातार आते हैं। ओम सर भी मुझसे कह रहे थे कि सर आप भी रेगुलर आया करिए, ओम सर तो रेगुलर पढ़ा ही रहे हैं, तो हम भी बहुत जल्दी रेगुलर होने वाले हैं, परेशान मत होइए आप, ठीक है।
चलिए अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी कॉन्वेक्स लेंसेस। कॉन्वेक्स लेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे भाई, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कई सारे हैं उसको भी करेंगे। कुल मिला के आज पूरे चैप्टर को धराशाही करना है, ठीक, इतना करना है कि सारी चीज कवर हो जाए। और एक बहुत अच्छी खबर भी आप लोगों के लिए भाई, एक बहुत अच्छी खबर भी आप लोगों के लिए, वो ये है अब से आप लोगों को सारे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हर लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, चाहे ओम सर की क्लास हो, मेरी क्लास हो, या आगे स्मृति मैम की क्लास हो, अजय सर की क्लास हो, सभी की क्लासेस में पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। और वो नोट्स यही होंगे जो पूरा हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ये देखिए जो कुछ भी ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये सब कुछ आपको पीडीएफ नोट्स में मिलेगा। बस करना ये है, उसके लिए आपको हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को बेटे ज्वाइन करना है, ठीक। इस ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन ओपन करिए, वहां पे चेक कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहें। अभी देखो जादू के थ्रू हम लोग इसको क्या करेंगे, गायब कर देंगे। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं भाई आगे, आ जाओ। तो जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा साइन कन्वेंशन फॉर दी स्फेरिकल लेंसेज। किसी भी लेंस के लिए साइन कन्वेंशन हम लोग को पढ़ना है। साइन कन्वेंशन क्या है इस बात को समझो भाई। देखो यहां पर क्या होता है कि एक कोई इस तरह का लेंस होगा, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, इस तरह की एक लाइन होगी। इस लाइन को हम लोग बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट होता है एकदम सेंटर में, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने यहाँ कहीं पर रखा हुआ है, तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इधर की तरफ इमेज बनती है या इधर की तरफ इमेज बनती है, आप सबको पता है। टोटल भाई कितने केसेस थे, सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ। कॉन्वेक्स लेंस में मैंने अभी तक टोटल कितने केसेस पढ़ाए हैं आप लोगों को, सब लोग बताओ भाई। हाँ उज्ज्वल बेटा, ये भी नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ पढ़ते पढ़ते अगर आप नोट्स बना रहे हैं वीडियो देखते हुए, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अभी नहीं बना रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़े आलसी भी होते हैं, तो उनके लिए मैं पीडीएफ दे रहा हूं, या कोई चीज छूट जाती है नोट्स बनाते समय, तो आप पीडीएफ से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी उस टेलीग्राम ग्रुप में और भी कई सारी हेल्पफुल मटेरियल आपको प्रोवाइडेड होगा भाई, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन वहां मिलेंगी, बाकी क्लासेस के लिंक्स वहां पर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपकी हैं जो पीडीएफ में अवेलेबल हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगी। तो मतलब उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट ही है, लॉस नहीं है, ठीक है। तो भाई टोटल 6 केसेस थे, 6 में से एक केस पहला था उसमें इरेक्ट वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी, जबकि जो बाकी केसेस थे सभी केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज थी। तो आइए देखते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट का नाम है अगर ए बी, तो ऑब्जेक्ट की लेंस से जो दूरी होती है बेटा, इसको यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यू से। इस यू को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं यहां लिख रहा हूं भाई, यू को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगली चीज है ये इमेज है, इमेज फॉर्म हुई लेट अस सपोज ए डैश बी डैश, तो इस ए डैश बी डैश की जो डिस्टेंस होती है लेंस से, इसको बेटे हम लोग डिनोट करते हैं वी से, और ये वी कहलाता है इमेज डिस्टेंस। वी क्या कहलाता है? वी इज इमेज डिस्टेंस। और क्योंकि लेंस है, लेंस का कहीं ना कहीं पर फोकस तो जरूर होगा, ठीक, तो वो फोकस मान लेते हैं, अगर वो फोकस यहां कहीं पर है एफ, तो उस फोकस की ये जो दूरी होती है यहां से, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ। इस स्मॉल एफ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस को बच्चों कैपिटल एफ से दिखाते हैं, तो फोकस को हम लोग, ये मैं हटा रहा हूं, फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से दिखाते हैं ये, और फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। दिस स्मॉल एफ इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो हम लोग को करना यह है, आज हम लोग को इस यू वी और एफ, इन तीनों का साइन कन्वेंशन अच्छे से समझना है,
कि भाई यू कब पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, वी कब पॉजिटिव निगेटिव होगा, और फोकल लेंथ एफ कब पॉजिटिव निगेटिव होगा, ये सारी चीज हम लोग को यहां पर पढ़नी है। ठीक है भाई, बोलो यार, बात एकदम समझ आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलो सबसे पहला रूल देखते हैं यहां पर क्या है। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंस में सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे। ये देखो मैंने सारी डिस्टेंस यहां से डिनोट की है, सारी डिस्टेंस मैंने यहां से डिनोट की है। ये देखिए v, ये देखिए इधर की तरफ u, ये देखिए यहां से इतनी डिस्टेंस f। सो ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द फोकल लेंथ, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो सब पॉजिटिव होगी। अब ये बड़े ध्यान देने वाली बात है भाई, ये बताओ बच्चों, इंसिडेंट लाइट रे किधर से आती है, ऑब्जेक्ट की तरफ से या इमेज की तरफ से? जल्दी से कमेंट करके बताओ सब लोग, इंसिडेंट लाइट रे ऑब्जेक्ट से आती है या इमेज से आती है? जल्दी से भाई सब लोग धड़ाधड़ कमेंट करिए सब लोग, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट रे आती है या इमेज से? वेरी गुड नीतीश, उज्ज्वल, अनुराधा, सभी ने एकदम बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है कि सर ऑब्जेक्ट से आती है। तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ है तो ऑब्जेक्ट से ऐसे बेटा लाइट रे जा रही है। ठीक, तो कहने का मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जब आप ऑब्जेक्ट के इस डायरेक्शन में, इस इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में अगर बढ़ोगे सो दैट डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आओगे तो द डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। अब यहां पर ध्यान से देखिए, तीन डिस्टेंसेज हैं U, V और F। बड़े ध्यान से देख करके बताओ ये U कैसा है, ये U पॉजिटिव है या निगेटिव है? सब लोग बताओ भाई, कमेंट करो बेटा, अनुराधा बताओ जल्दी से, नीतीश, उज्ज्वल, एवरीवन, जितने लोग भैया लाइव देख रहे हो खटाखट कमेंट करिए। ऑब्जेक्ट जो है, बहुत ध्यान से देखो, पहला रूल क्या था, सारी डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से नापना है, तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो ऑप्टिकल सेंटर से भैया इधर की तरफ आओगे ना, लेफ्ट साइड में आओगे ना, तो बस यही बताओ मुझे, ये कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? जल्दी से बताइए, पॉजिटिव है या निगेटिव है? उज्ज्वल ने कहा, पहले उज्ज्वल ने कहा टिव, फिर कहा निगेटिव। सही है, अरे कोई बात नहीं भाई, डिलीट करने की जरूरत नहीं है, होता है होता है, बच्चे हैं, इंसान हैं, तभी गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं। अनुराधा ने कहा सर निगेटिव, वेरी गुड बच्चों, आप सभी ने सही कहा है, उज्ज्वल ने भी सही कहा है। तो ये जो यू है बेटा, ये यू यहां पर कैसा होगा, इट इज निगेटिव, वेरी गुड, क्योंकि आप इधर से लेफ्ट में आए हो। V की बात करो बेटे, ऑप्टिकल सेंटर से चेक करो, लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो ना इधर की तरफ, तो V कैसा हो गया यहां पर, पॉजिटिव। और F कैसा है, F कैसा है, फोकस, फोकल लेंथ कैसा है भैया, फोकल लेंथ इज ऑल्सो, कोई बात नहीं उज्ज्वल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आशीष आ गए हैं, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो फोकल लेंथ जो होता है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर के बात ये आई यहां पर कि भैया यू निगेटिव है, बाकी वी और एफ ये दोनों कैसा है, बोथ आर पॉजिटिव। एनी डाउट टू एनीवन? मस्त, एकदम क्लियर है। चलो भाई, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट are taken as negative। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं भैया, इंसिडेंट
लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट जाओगे तो कैसा लोगे, निगेटिव। तो वही देख करके आप लोगों ने ये यू निगेटिव बोला भी था। फोर्थ है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी डिस्टेंसेज हैं ऑल आर पॉजिटिव। तो देखो क्या लिखा है, द डिस्टेंसेज मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये है तो इससे ऊपर ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोगों ने बच्चों ए बी से डिनोट किया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी, ये ए बी कैसा होगा, इट विल बी पॉजिटिव। बोलो यार सही है ना। और इमेज चलिए भाई, कुछ नेटवर्क इशू था शायद, लेकिन अभी वो इशू सही हो गया है। आ जाइए वापस सभी लोग। हाँ डेटा, वो कुछ नेटवर्क इशू था बेटा आशीष, कुछ नेटवर्क इशू था, अभी क्लास फिर से चालू है। आइए, तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने लिखा ए बी, और ऑप्टिकल सेंटर से जब हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए लेफ्ट साइड में आएंगे बेटा, तो आप चेक करो ये जो U होगा दिस विल बी निगेटिव। U कैसा होगा, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि आप इंसिडेंट लाइट रे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आए हो। इंसिडेंट लाइट रे जो है वो बड़े ध्यान से देखिए, इंसिडेंट लाइट रे देखो मैं येलो से दिखा रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट इधर है भैया तो इंसिडेंट लाइट रे ऐसी होगी कि नहीं होगी, दिख रही है आप लोगों को। बहुत हल्की दिख रही होगी, तो ये जो डायरेक्शन है देखिए मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये डायरेक्शन है आपका इंसिडेंट लाइट रे का, तो ये इंसिडेंट लाइट रे का है ठीक। तो आप चेक करो आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन आए हो इसलिए ये नेगेटिव है। अगली चीज अगर हमें मेजर करनी है, ध्यान से देखिए, इमेज मान लो इधर की तरफ फॉर्म हुई है ठीक, तो आप ऑप्टिकल सेंटर से राइट जाओगे तब वी मिलेगा, और क्योंकि ये लाइट की डायरेक्शन में है इसलिए ये कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। इसका फोकस भी इधर ही होगा इसलिए फोकल लेंथ भी जो होगी वो भी उसकी पॉजिटिव होगी ठीक। तो इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो डिस्टेंसेस विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव ठीक, अपोजिट आओगे तो डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे परपेंडिकुलर तो इट विल बी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर आओगे परपेंडिकुलर तो इट विल बी नेगेटिव। तो ये है सारा का सारा साइन कन्वेंशन ठीक है। तो ये रही आपकी स्लाइड, आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक देखो यहां पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या फोकल लेंथ, जस्ट अ मिनट, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन पूरा समझाया था और वहां पे मैंने बताया भी था कि जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का दैट वॉज पॉजिटिव। तो इसको आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे आप लिख सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि बच्चों कॉनकेव लेंस अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसमें यही फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव होता है ठीक है। यहां पर बच्चों वही साइन कन्वेंशन को आप लोगों को समझाया गया है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसमें बार बार फिर से वही चीज रिपीट करने की जरूरत हमको नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी को भी डाउट हो तो भैया पूछ लो, अभी भी समय है आपके पास, पूछ सकते हैं आप लोग। सिलेबस बेटा बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की तैयारी है ठीक है, बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली दिवाली से पहले ही कंप्लीट कर देंगे, विद इन 1-2 मंथ्स, 1-2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। जो लेंस फॉर्मूला आपका है वो लेंस फॉर्मूला होता है 1/F = 1/V - 1/E।
यू. अगर बोर्ड्स में आता है कि व्हाट इज लेंस फार्मूला, तो यू शुड राइट देयर कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, वेयर यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यू क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से. वी इज इमेज डिस्टेंस एंड एफ इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं. जब भी कभी बेटा एग्जाम में फॉर्मूला लिखिएगा, तो उस फॉर्मूला में क्या क्या चीजें हैं ये जरूर लिखिएगा. तो वेयर यू इज दिस, वी इज दिस एंड एफ इज दिस, इस तरह से लिखा जाता है. हाँ उज्जवल बेटा, उसके बाद मस्त प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी पब्लिकेशन आपका नहीं बचेगा जिसके क्वेश्चन हम लोग यहां पे ना करें. ठीक है, आप परेशान मत होइएगा. पूरा ओलंपियाड, आईएमओ, जितना भी आपका आ रहा है, ठीक है ना, सारा केवीपीवाई, सारे क्वेश्चन फुल ऑन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. ठीक, आप लोग बस साथ में बने रहिए, अपने साथ के सारे दोस्तों को भी यहाँ पर इनवाइट करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर रहें. ये पूरी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरे साल भर. ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ी सी हम लोग की हेल्प करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल पर जुड़ सकें. तो अपने फेसबुक पेज पर, अपने फेसबुक के अकाउंट पर, अपने व्हाट्सएप पर, हर जगह पर आप क्लासेस के लिंक्स को बस शेयर करते रहिए, बच्चों को इनवाइट करते रहिए. सिर्फ इतना सा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए. ठीक, चलिए अगली चीज है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंसेज. लेंसेज से क्या मैग्निफिकेशन होता है? तो प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन के बारे में समझिए. मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब इमेज की ऊंचाई क्या है, इमेज की हाइट क्या है, डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है. ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, वही चीज मैंने यहां पे लिखा है, स्मॉल m इज इक्वल टू h2 बाई h1, वेयर h2 इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड h1 इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इस तरह से हम लोग लिखते हैं. क्लियर है बच्चों? कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो आपको तुरंत बोलना है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पियर्सन करा देंगे बेटा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, पियर्सन करा देंगे. ओम सर को मैंने बोला है, पियर्सन के वो क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहे हैं. ठीक है ना, और हम लोग फिजिक्स में भी करेंगे. एक बार जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, हम लोग पियर्सन पर आ जाएंगे. ठीक है, चलिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो. मैंने अभी आपको पीछे लिख करके बताया था, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और अगर इसी फार्मूला को बच्चों हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के हिसाब से लिखें, तो यही फार्मूला बन जाता है m इज इक्वल टू वी बाई यू, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. u क्या है हमारा? u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. ये इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में या अपने स्कूल में लिखना है अगर कभी पूछा जाएगा तो. अभी तो फिलहाल आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, मस्त एकदम मौज कर रहे हैं. बिल्कुल क्यों भाई, टीचर जूम पे हेलो हेलो करता रहता है, आप लोग मौज करते हैं. नीतीश यादव सर, बायो कब से स्टार्ट होगा? भैया बहुत जल्दी, बहुत जल्दी. उज्जवल भाई धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू. बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए उज्जवल, आप शेयर करते रहिए वीडियोस को, हम लोग पक्का धमाल मचाएंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है. अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, ऑल इंडिया टॉपर दूंगा मैं, ऑल इंडिया टॉपर दूंगा, फर्स्ट रैंक इन ऑल इंडिया, अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा इसी तरह से तो. ठीक, थोड़ा सा बस शेयर करते रहिए वीडियोस को. चलो भाई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आ जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस पर. सबसे पहला प्रॉब्लम देखिए क्या है. कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो भैया फोकल लेंथ इसका कितना है? 10 सेंटीमीटर है. अब जल्दी से बताओ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, जल्दी से कमेंट करो. पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, सब लोग बताओ. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का
बताओ यार जल्दी से बताओ कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल. तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखो क्या लिखा है. अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल. हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल. तो बच्चों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको निकालना है जबकि इमेज की डिस्टेंस भैया रियल इमेज कहां पर बनानी है? वॉल पर बनानी है. और वॉल कितने दूरी पर है? 12 सेंटीमीटर पर है. तो v की वैल्यू हमको कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर. अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है बेटा कि इमेज कैसी है? रियल इमेज है. और याद करो रे डायग्राम, इसी वजह से मैंने रे डायग्राम आपको 3 बार 4 बार बनवाया. ठीक, याद करो रे डायग्राम. सिर्फ पहला केस ऐसा था जिसमें इमेज इरेक्ट थी, वर्चुअल थी. बाकी सारे केसेस में कैसी थी भाई? रियल एंड इन्वर्टेड. और यहां पर बोला गया है रियल इमेज है. इसका मतलब इमेज जो है वो लेंस के राइट साइड में बनी होगी. बोलो यार, जिधर की तरफ इमेज है उसके ऑपोजिट साइड में इमेज फॉर्म हुई होगी. ठीक है, और अगर राइट साइड में हुई होगी तो बेटा ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव. क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? उज्जवल कह रहे हैं सर जी मुझे एकदम लर्न है रे डायग्राम. बहुत बढ़िया बेटा. और उज्जवल बार बार रे डायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा. अगर दिमाग में है तो 2 बार 4 बार और बनाइए उसको. ठीक, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब सोते हुए भी अगर कोई उठा दे और आपसे कहे कि भैया रे डायग्राम बनाओ, तो खटाखट हाथ चल जाना चाहिए. आंख भले ना खुले लेकिन हाथ चल जाना चाहिए. ये बात ध्यान रखो भाई, इसमें बिल्कुल भी लोचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही है जिसकी वजह से क्वेश्चंस बच्चे गलत करते हैं. और अगर रे डायग्राम अच्छे से आता है तो क्वेश्चन तो भैया गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि फॉर्मूले में तो कुछ है नहीं यार. देखो प्यारा सा एकदम फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u. धरो यार वैल्यू. 1/10 = 1/12 - 1/u. तो यहां से क्या मिल जाएगा? 1/u इधर ले गए = इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ. ठीक, सो 1/12 - 1/10. एलसीएम आ गया आपका 120, ये हो गया 10 - 12. ठीक, तो ये आपको मिल गया 1/u = -2/120. तो बेटा u की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो यार कितनी आ गई? -60. यूनिट रखना मत भूलना, वरना टीचर नंबर काटना नहीं भूलेगा. खट से नंबर काटेगा यहाँ पे. तो आपको यूनिट बेटे ध्यान रखनी है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर आ गया बेटा? 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर कहने का मतलब, वो भी निगेटिव है, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ दी लेंस. ये लेफ्ट और राइट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आप लोग छोटे हैं, क्लास 10th में हैं. लेकिन जब आप लोग ITJEE की बात करेंगे, आप लोग क्लास 12th में आएंगे, तो ये लेफ्ट राइट मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा. ठीक, क्योंकि उसका कुछ अलग सेंस होता है. लेकिन चलिए अभी चल जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है भाई, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को कोई दिक्कत समस्या हो भाई पूछ लो यार. वेरी गुड उज्ज्वल, बहुत बढ़िया बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई. सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2. ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट. आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ और जो जो डेटा मिले उसको ऐसे लिखते जाओ भाई. ठीक, सो ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस. ठीक, कितनी डिस्टेंस पे रखा है? 12 सेंटीमीटर पर. ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर. तो भैया फोकल लेंथ कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज. पोजिशन का मतलब वी चाहिए, नेचर का मतलब रियल है, वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, ये चाहिए. और हाइट ऑफ द इमेज भी चाहिए. ये सारी चीज हमको यहां पर निकालनी है. देखो यार कैसे करोगे, आ जाओ. सबसे पहले ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है,
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भैया पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? बोलो यार, बोलो। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? कमेंट करिए सब लोग। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है बेटा दैट इज ऑलवेज निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? निगेटिव। क्लास टेंथ में, ठीक। जब ट्वेल्थ में आओगे आईआईटी जेई की बात करोगे तो मामला कुछ बदलेगा। उस समय में फिर दूसरी चीज आपको समझाऊंगा फुल डिटेल में। अभी क्लास टेंथ के लिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज निगेटिव। क्लियर? दिमाग में सेट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्केव लेंस हो, कोई भी मिरर हो, दिस यू विल बी ऑलवेज निगेटिव, बिना सोचे समझे, ठीक। जबकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ भैया कैसी है? पॉजिटिव। आ जाओ यार फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यार 1/8 इज इक्वल टू, वी निकालना है, माइनस यू की वैल्यू है -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/v की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/8 माइनस 1/12। एलसीएम देखिए कितना आएगा, सॉरी मैं सीधे सीधे 96 लिख दे रहा हूं, ठीक। ये हो जाएगा 12 - 8, सो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4/96। तो ये आपका कैंसिल होगा 2, 4, तो वी की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? वी की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब भैया अगर लेंस ऐसा है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो यार वी पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, मतलब इमेज इधर बनेगी, और अगर इमेज इधर बनेगी तो आप सबको पता है कि वो ऊपर तो नहीं बन सकती, इसलिए वो हमेशा कहां पर बनेगी भैया? नेगेटिव बनेगी, क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं। क्या पढ़ रखे हैं? 6 केसेस आपने 6 ray diagrams पढ़ रखे हैं, जिसमें सिर्फ पहला रे डायग्राम था जिसमें इरेक्ट इमेज थी और वर्चुअल थी लेफ्ट साइड में। बोलो यार, बाकी हर केस में इमेज कैसी थी यार? रियल एंड इनवर्टेड, ठीक। तो यहां पर बेटा आपको क्वेश्चन क्लियर है सबको? बिल्कुल लाइव आना है कल। चलो भाई, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल लेंस इज m इज 2.5, ठीक है, वो भी पॉजिटिव। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस? आपको बताना है कि भैया मैग्निफिकेशन जो है वो 2.5 है। इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब समझो, HI upon HO की वैल्यू है 2.5, वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब HI जो है वो 2.5 टाइम्स HO हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, HO जो होता है दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने जितने भी 6 केसेस पढ़े हैं, बोलो हर केस में अगर ऐसा लेंस था तो हम लोगों ने ऐसा ऑब्जेक्ट माना था। इसका मतलब जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट की हाइट को कैसा लेकर चलते हैं बच्चों? पॉजिटिव लेकर चलते हैं। ये पॉजिटिव है, 2.5 पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करोगे तो HI भी कैसा आएगा भाई? HI कैसा आएगा? पॉजिटिव।
तो यार HI के पॉजिटिव होने का मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव. हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव होने का मतलब बच्चों इमेज हमारी इरेक्ट है. अब जल्दी से बताओ 6 केसेस में से कौन से केस में इमेज इरेक्ट होती है. जल्दी से कमेंट लिखो भैया. आशीष ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. और आशीष अपने सारे दोस्तों को भी बोलिए कि वो लोग इस क्लास में आया करें, पढ़ा करें. उस टेलीग्राम ग्रुप में उन सारे फ्रेंड्स को बोलिए सब लोग ज्वाइन हो. जितने ज्यादा बच्चे होंगे बिलीव मी उतना ही बढ़िया यहाँ पर आपको माहौल मिलेगा और उतना ही बढ़िया कंपटीशन होगा आपस में, तभी मजा आएगी भाई. उज्ज्वल ने कहा सर पॉजिटिव. तो HI पॉजिटिव होने का मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट है. और इरेक्ट इमेज सिर्फ और सिर्फ पहले केस में बनती है, इसलिए इमेज और कैसी है, वर्चुअल है. सो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. और नेचर ऑफ द लेंस, तो भैया बहुत अच्छा है, लेंस तो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस. एनी डाउट टू एनीवन, कोई दिक्कत समस्या हो भैया तुरंत पूछ लो. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलो यार आगे आ जाओ. अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया. एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस. सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस. तो यू तो हमेशा ही निगेटिव होता है. जिसकी फोकल लेंथ बच्चों कितनी है, सॉरी 20, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. बोलो यार यू पता है, एफ पता है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ. मस्त है ना, खटाखट फॉर्मूला लगाइए. कोई बात नहीं आशीष, कोई दिक्कत नहीं है. लाइव में आपका बेनिफिट यह है कि आपका कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी क्लियरली, आप तुरंत पूछ सकते हैं. ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे. इन्हीं लाइव क्लासेस में पढ़ने के लिए आप सोचो, बच्चे इतना सारा पैसा देते हैं यहाँ पर, हम लोगों को फीस सबमिट करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, और आप लोगों को वही सुविधा एकदम फ्री मिल रही है. तो आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं. केवल मैं ही नहीं हूँ, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आप लोगों को एब्सोल्युटली फ्री पढ़ा रहे हैं. तो आप लोग एकदम लगातार बने रहिए, लेकिन किसी एक टीचर के साथ, है ना. ये मत करिएगा कि यहाँ भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 4 चैनल पे और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पता चला किसी ने कोई दूसरा तरीका बताया, ठीक, और आपने सब खिचड़ी पका दी. तो किसी एक अच्छे टीचर को फॉलो करिए और साल भर उसी को फॉलो करिए. मेरे को आप फॉलो कर रहे हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप 100% फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो मैं आपको टॉप करवा करके ही छोड़ूंगा, ठीक. लेकिन मेरी सारी बात आपको माननी पड़ेगी, और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो एज इट इज आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. तो प्यारे बच्चों यहां पर फॉर्मूला लगाकर बोलो यार वी की वैल्यू निकाल लोगे. टेक वी अगर पॉजिटिव आया, वी अगर पॉजिटिव आया मतलब इमेज जो है वो राइट साइड है, और अगर इमेज राइट साइड है तो वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, तो भैया नेचर भी आ गया. ठीक, मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं. तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, इसको आप लोग करिएगा. नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, स्क्रीनशॉट अभी तुरंत ले लो, ठीक, व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा. अगला क्वेश्चन देखो भाई, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. दिस टाइम वी हैव टू कैलकुलेट फोकल लेंथ व्हिच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ, इमेज की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 50 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. तो यू की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर. लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, इमेज कैसी है, वर्चुअल. बोलो यार इमेज कैसी है. ठीक है आशीष बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस कंफ्यूज मत होइएगा आशीष, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आप
एक टीचर को अच्छे से फॉलो करिए। फिजिक्स में आप मुझको फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल आंख बंद करके, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीज फुल डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, टफ से टफ चीज, आसान से आसान चीज, एवरीथिंग पूरा फिजिक्स में कवर करूंगा। बिल्कुल आप परेशान ना हो, अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूं, अपने ऐप पर भी पढ़ा रहा हूं, पिछले 8 साल से लगातार सिर्फ पढ़ा रहा हूं, और पूरे बचपन भर सिर्फ मैंने पढ़ाई की है। तो मैं क्लास 10th का भी टॉपर था, 12th का भी टॉपर था, लाल कृष्ण आडवाणी जी से भी अवार्डेड हूँ, और भी बहुत सारे लोगों से अवार्ड मिला। ठीक, तो आप लोग कुल मिलाकर के अगर मेहनत करेंगे तो आप एक अच्छे मेंटर के पास आए हैं। आपको ऐसा नहीं फील होगा कभी भी कि सर ने गलत किया मेरे साथ। ठीक है भाई, चलो यार आ जाओ न्यूमेरिकल पे आ जाओ। क्वेश्चन में भैया आपसे बोला गया बेटे वर्चुअल, तो यार वर्चुअल वाला केस कौन सा है? केस नंबर 1। और केस नंबर 1 में जो इमेज होती है बेटा वो लेफ्ट साइड में होती है, इसलिए यू भी निगेटिव और वी भी निगेटिव है। अब बस उठा के फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है ना, आप लोग वैल्यूज रखिएगा भाई। सो 1/-50 प्लस 1/20, इसका एलसीएम ले लो कितना आएगा, 1000। ठीक, इधर की तरफ 20 और इधर की तरफ -50। गलत लिख दिया मैंने, अरे यार 20 तो ये क्या हो गया, सॉरी दिस इज -20 एंड दिस इज +50। क्लियर, सो दिस विल बिकम 30/1000। तो ऐसे में बच्चों जो फोकल लेंथ आएगा, फोकल लेंथ एफ की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 100/3। तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव आना ही चाहिए था, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो बहुत क्लियर था कि पॉजिटिव ही आएगा, और ये पॉजिटिव आया भी है। उज्ज्वल बेटा जो ऐप में है वो आपको पेड वर्जन मिलेगा, ठीक है, तो आप अभी पेड के लिए आप परेशान ना हो, मैं सारी चीज यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल कुछ भी अभी आपको पैसे खर्चा नहीं करना है, बस आपको रेगुलर आना है, थोड़ी सी हम लोग की हेल्प करनी है, अपने साथ के ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी यहाँ पर इन्वाइट करना है, दैट्स इट। और कोई पैसा इस साल आप लोगों को खर्चा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, नो फीस। तो ये रहा भैया फोकल लेंथ आ गया हमारे पास, सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एंड इनवर्टेड, ठीक, इनवर्टेड होने का मतलब ऑब्वियस है इमेज कैसी रही होगी, रियल एंड इनवर्टेड होता है ना, तो रियल भी रही होगी, मैग्नीफाइड 3 times एज द ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो जो मैग्नीफिकेशन है बच्चों बोल रहा है 3 है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वो +3 है या -3 है, बताओ यार कमेंट करो। मैग्नीफिकेशन जो है वो 3 बोल रहा है, लेकिन +3 है या -3 है ये आपको सोचना है, और सोच तभी पाओगे जब वो सारे आपको रे डायग्राम्स जो मैंने पढ़ाए थे वो अच्छे से आपके दिमाग में हो, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक, तो भैया मैंने आपसे क्या कहा था, रियल एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड उल्टा, उल्टा होने का मतलब ही हो गया कि मैग्नीफिकेशन कैसा है, निगेटिव है। ठीक, ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 cm फ्रॉम इट, तो यू की वैल्यू तो हमेशा ही निगेटिव होती है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ बताना यार, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, जो जो दिया है वो हम लोगों ने सही लिखा है। कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इनवर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 times ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 cm फ्रॉम इट। ठीक, तो ये है हमारे पास, यू है, एम है, ये है। ठीक, अब यार एम का फॉर्मूला यूज कर लो, एम इज इक्वल टू वी बाई यू होता है, एम की वैल्यू बच्चों पता है -3, ठीक, वी नहीं पता है, यू पता है हमको कितना, -15, तो वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 45 cm। और देखो
ये वी पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब इमेज जो है वो राइट साइड में बनी, और राइट साइड बने होने का मतलब यही है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है बच्चों, ठीक है। तो बस अब क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो लगाओ फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, u कितना है -15, सो एलसीएम विल बिकम 45, 1+3, तो f की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, f की वैल्यू हो जाएगी 45/4 सेंटीमीटर, 45/4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर एवरीवन, बात समझ आ रही सब लोगों को? फोकल लेंथ आ गई भाई, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से आ गया। पिछले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट करके, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। कन्वर्जिंग लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन। सो वी की वैल्यू हमें कितनी दिया है, 20 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि जो लेंस है वो स्क्रीन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। बच्चों जो स्क्रीन होती है, इसी स्क्रीन पर हम लोग इमेज ऑप्टेन करते हैं, आप समझ लो, इसी पर हम लोग इमेज ऑप्टेन करते हैं। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब यू की वैल्यू कितनी हो सो एज टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। तो बेटे रियल इमेज तो राइट साइड में ही बनेगी, और राइट होने का मतलब वी की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। बोला यार फॉर्मूला लगा के यू नहीं निकाल पाओगे, बताइए कर पाएंगे? सब लोग कमेंट करिए, उज्जवल, नीतीश और भी जितने लोग देख रहे हैं, अनुराधा, सब लोग बताओ भाई कर लेंगे, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है इसमें? जल्दी से कमेंट करिए सब लोग, फॉर्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, मुफ्त ऑफर है भाई, खटाखट फॉर्मूला लगाइए, कर लेंगे, सिंपल है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस की तरफ चलेंगे, पावर के दोनों लेंसेस को कंबाइन करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है अगली। तो अगली क्लास में आना मत भूलिए, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, आराम करिए, मौज करिए, पढ़ाई करिए और कुछ भी करिए, बस देश का नाम रोशन करिए। थैंक यू।